तो गाइस फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए धमाकेदार एक्सपेरिमेंट में। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो बढ़ते अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। आज मेरे पास है एथेनॉल, नाजी और पेट्रोल। हाँ पेट्रोल, अटेंशन क्यों ले रहे हो, बहुत सारा पेट्रोल है हमारे रथ में। चलो पहले पेट्रोल निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। रथ से तेल निकालने के बाद तो गाइस हमने अपने रथ से पेट्रोल को पॉलीथीन में कर लिया है और एथेनॉल को भी पॉलीथीन में कर लिया है। अब हम वन बाई वन इन दोनों को ब्लास्ट कराने वाले हैं इन नाजियों के साथ, और देखने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा फ्लेमेबल है। तो चलो मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ बना लिया है और यार मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो आओ चलो यार आग लगाते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। ये तो खलनायक निकला। ओ भाई यार आप लोगों ने देखा कितना तगड़ा धमाका हुआ। तो हमारे पेट्रोल तो भाई पास हो गया है, अब देखते हैं भाई एथेनॉल क्या धमाका करता है। आओ इथेनॉल को भी खोपचे में लेते हैं। एथेनॉल को भी चढ़ा दिया हमने फांसी पे, और पेट्रोल का तो काम तमाम हो गया, अब इसका भी काम तमाम करते हैं, लगाते इसके नीचे भी यार। चलो फिर इसके धमाके ने गड़ गड़ करवा दी। हमारे एथेनॉल में ब्लास्ट बहुत तगड़ा हुआ लेकिन फ्लेम्स बहुत कम निकली, और जो हमारा पेट्रोल था उसमें फ्लेम्स ज्यादा निकली और साउंड भी ठीक ठाक था। और कौन सा तेज था कौन सा आया था, पर मेरे को एथेनॉल सबसे बेस्ट लगा। एथेनॉल सबसे ज्यादा ब्लास्ट किया उसने, और यहाँ पे आग लग चुकी है भाई, इसे फिर बुझा लो। ठीक है, एक्सटिंग्विशर क्या है हमारा भाई, देखा होना यार तुम कैसे इनकी सैलरी काटनी पड़ेगी मुझे लग रहा है।